नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में है 22 जुलाई का करंट अफेयर्स। तो चलिए दोस्तों, देर ना करें तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जुलाई से 27 जुलाई के मध्य अफ्रीका महाद्वीप के किन देशों की यात्रा पर जाएंगे या किन देशों का दौरा करेंगे? ऑप्शन ए है रवांडा, बी युगांडा, सी है दक्षिण अफ्रीका या फिर डी ए सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, यानी कि ए सभी, तीनों देशों की यात्रा पर जाएंगे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है? ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, शहर का नाम है जोहानिसबर्ग में होने जा रहा है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आठवीं विश्व स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ पर संपन्न हुई? आठवीं विश्व स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ पर संपन्न हुई? तो यह शहर का नाम है डरबन शहर, जो कि दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है। दोस्तों, इसमें भारत की तरफ से परिवार एवं कल्याण मंत्री जेपी नड्डा जी शामिल हुए थे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दुनिया के सबसे महंगे गोलकीपर कौन बने हैं? दुनिया के सबसे महंगे गोलकीपर कौन बने हैं? उनका नाम है एलिसन बेकर, एलिसन बेकर जो कि ब्राज़ील देश के एक फुटबॉलर खिलाड़ी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा बिम्सटेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होना है? चौथा बिम्सटेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर होना है? तो इसका सही आंसर है यह दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। बिम्सटेक बंगाल की खाड़ी में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग वाला उपक्रम है। यह है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी से लगे हुए सभी देश का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी का रिकॉर्ड किन बल्लेबाजों ने अपने नाम किया है? किन बल्लेबाजों ने अपने नाम किया है? तो बल्लेबाजों का नाम है इमाम और फकर। दोस्तों, इन दोनों ओपनरों ने लगभग 304 रन की पारी खेली है, जो कि थरंगा और जयसूर्या का रिकॉर्ड तोड़ के फर्स्ट पोजीशन पर आ गए हैं। 304 रन की पारी खेलकर इनने विश्व रिकॉर्ड बनाया है सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी का। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका आंसर है यह दोस्तों, लंदन में किया जा रहा है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन में किया जा रहा है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न है, नीरजा पुरस्कार की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? नीरजा पुरस्कार की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो सरकार का दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नीरजा पुरस्कार शुरुआत करने की घोषणा की है, जिसके तहत 1 लाख रुपए पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में लोकसभा में लाया गया अविश्वास प्रस्ताव में सरकार के पक्ष में कितने वोट पड़े? हाल ही में लोकसभा में लाया गया अविश्वास प्रस्ताव में सरकार के पक्ष में कितने वोट पड़े हैं? दोस्तों, यह 325 वोट पड़े हैं सरकार के पक्ष में, और जो अविश्वास प्रस्ताव है इसके पक्ष में ओनली 125 वोट पड़े हैं, और सरकार को मिले हैं 325 वोट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, दक्षिण कोरिया के उलेयंग दो आइसलैंड में खोजा गया 113 वर्ष पुराना जहाज किस देश का था? जो जहाज
खोजा गया है। दक्षिण कोरिया के ओलेंग्यांग दो आइलैंड में खोजा गया 113 वर्षीय पुराना जहाज यह किस देश का था, किस देश का था जो कि डूब गया था। दोस्तों उस देश का नाम है, यह रसिया यानी कि रूस देश का जहाज था जो कि जापान और रूस के युद्ध के समय यह समुद्र में डूब गया था। जापान ने हमला कर दिया था और इसको डुबो दिया था। अब यह खोज लिया गया है। दोस्तों यह वीडियो अब यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और यदि पसंद ना आया हो तो प्लीज़ डिस्लाइक करें और सजेशन ज़रूर दें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।